अस्सलाम वालेकुम अली मुनव्वर, आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज पहली तारीख है, मजदूर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। 1800 समथिंग कुछ में मजदूरों ने अपने हकूक के लिए राइट्स किए, जहां मजदूरों से 12-16 घंटे काम दिया जाता था और तजवीज़ें थी कि 8 घंटे काम किया जाए। बहरहाल बहुत से लोग उसमें अपनी जान से गए, एक तहरीक चली और उसके नतीजे में 8 घंटे की लेबर तय हो गई। लेकिन अब भी पाकिस्तान जैसे और बहुत से ममालिक जहाँ 8 घंटे की कोई तमीज़ नहीं है, बट जो कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी लिमिटेड कंपनी इदारे, वहाँ शायद 8 घंटे, लेकिन नॉर्मली यहाँ दुकानों पर भी लोग 12-12, 14-14 घंटे काम लेते हैं। बहरहाल ये तो थी आज के दिन के हवाले से बातचीत। तहरीकें जो हैं वो मुकामी, वो रैलियाँ निकाल रही हैं मज़दूरों के, लेकिन मज़दूर सच्ची बात यह है कि आज भी मजदूरी पर निकला हुआ। पहली तारीख में आज हमारे पास एक सिलसिला होता है कि राशन की तकसीम होती है, कुछ फैमिलीज़ हैं जिन तक हम राशन पहुँचाते हैं। अभी यहाँ से 15 फैमिलीज़ को आज अभी राशन जाएगा। इसके अलावा 5 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन तक कुछ पैसे पहुँचाए गए। 1,30,500 रुपये का राशन और 50,000 रुपये 5 फैमिलीज़ को, 10,000 रुपये महीने के हमारे हाथों से देने वाला खुदा है और साथ में कुछ मेहरबान लोग हैं, फरिश्ता सिफ उनकी तरफ से। तो आज ये सिलसिला इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर बार महीने के अख्ताम पर मैं थोड़ी सी स्ट्रेस लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, अल्लाह ताला का काम है। खाना खिलाना अल्लाह के अलावा बंदा नहीं खिला सकता। तो भाई इस महीने क्या होगा, इस महीने भी ऐसा था। हाँ, हमारे 2 डोनर आज के इस प्रोग्राम में, 2 डोनर हैं हमारे। एक डोनर मुझे डाउट है, उनकी तरफ से कुछ पैसे मौसूल हुए, यूके से हैं, 100 पाउंड तकरीबन 35,000 रुपये कुछ उनके। और एक और हमारे ग्लासगो यूके से हैं, मेहरबान, उन्होंने भी कहा था नाम मत लीजिएगा, तो मैं उन्हें सूफी साहब कह रहा हूँ, तो आप भी सूफी साहब समझ लीजिएगा। तो उनके मेरे पास अमाउंट मौजूद था। आज की हमारी इस सारी कार्रवाई पर 1,80,000 कुछ रुपये ऊपर खर्च होगा। तो ये 2 मेहरबान इस सारे कार्य खैर के पीछे होंगे आज के इस प्रोग्राम। तो एक और हमारे मेहरबान हैं, उनके पैसे आज पहुंचे नहीं, आज बैंक के बंद हैं यहाँ पर, तो वो कल आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इन पैसों में से वो खर्च कर दूंगा और उनके पैसे जो होंगे वो किसी और मद में खर्च हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला हमारा जारी है पैकिंग का। तो कुछ ही देर में लोग आएंगे जो यहाँ से ले जाएंगे, और कुछ 2-3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें से एक फालिज का मरीज़ है, वो नहीं आ सकता, उस तक पहुँचाना पड़ेगा। 2 बेवा फैमिलीज हैं, उन तक हमें खुद पहुंचाना पड़ेगा, और एक मरीज है, उन तक हम खुद राशन लेकर जाएंगे। जो ना आइटम बनेंगे अपने, सब 200 रुपए के, जिसमें आलू बुखारा, इमली, साबुत मिर्ची, कटर मिर्ची और काली मिर्ची साबुत, जीरा, काली मिर्ची बस वो कटने वाली। अच्छा, 20, ये देखें कितने, मेरा 13 कटे आटे के निकाले, 20-30 हो सकते। ये हो गए हमारे 15 राशन के पैकेट के, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या चीज, 15 हमारे राशन के पैकेट थे, उनके पैसे यहाँ दे दिए गए हैं। अब जो 5 फैमिलीज हैं जहाँ तक मंथली 10,000 पहुँचाने, उसके लिए हम उनको जाएंगे, और जो यहाँ से आकर ले जाएंगे, असलम भाई का फोन आ गया था, वो आ जाएंगे लेने के लिए। बाकी जो पैकेट होंगे जहाँ वो पहुँचाने, वो फिर मैं शाम में उठा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ यूनुस भाई आप भी तो आए ना अभी थोड़ा बीच में, यहाँ मैं आया था, एक सिलसिला वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आया था। यूनुस भाई मिल गए, बहुत नाइस इंसान है, बहुत काइंड इंसान है। और यूनुस भाई के ये दोस्त हैं जफर भाई, और ये कबूतरों का चारा बेचते हैं, अच्छा परिंदों का दाना, सही सही सही, ठीक है जफर भाई। सर सर बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू, आ जाए, ठीक है यूनुस भाई आप बैठे, ठीक है आ जाए। नहीं तो जैसे कि सिलसिला मैंने आपको बताया, वहाँ से 15 फैमिलीज का राशन और एक फैमिली का राशन यहाँ से जाएगा। ये आरिफ भाई राशन वहाँ पहुँचाएंगे, आरिफ भाई ये 10,000 रुपये आपको, आप राशन पहुँचा दीजिएगा उनकी तरफ, ठीक है। तो ये 16वीं फैमिली है हमारी,
यहाँ से राशन वहाँ चला जाएगा इंशाल्लाह। ये 500 रुपये आपको दुकान वाले ने दिए ना, ये जिससे राशन लिया ना अपने उस दुकान वाले। ठीक है बहन ले जाएं आप, ठीक है बहुत ठीक है भाई ले जाएं। ये दो पैकेट हमारे राशन के ये जाएंगे कॉलोनी, एक लियाकत ठेकेदार मरहूम इंतकाल हो गया उनका, और एक ये हमारी और बहन है जो इंडिपेंडेंट आज़ाद अपने बच्चों को पाल रही हैं जीरो अर्निंग के साथ, ये उनके घर जाएगा इंशाल्लाह। इदरीस भाई ये जो सुमेरा नामी खातून आएंगी ये आप उनको पैसे भी देंगे, ठीक है 1000। हाँ 1000 पे उन्हें दे दीजिएगा। तो ये चार फैमिलीज तक मैं खुद लेकर जाऊंगा, वो कहाँ मैं पहुँचाता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ फैमिलीज़ के यहाँ से जा चुके हैं, वो फैमिलीज़ यहाँ आ गई थी, कुछ हमारे पैकेट ये पड़े हुए हैं। तो कुल 15 फैमिलीज तक राशन जाएगा और पैसे एक फैमिली को दे चुके हैं, बाकी जो फैमिलीज़ हैं उन तक भी, जो हमारी एक भान सिंगाबाद की वो बूढ़े पेरेंट्स हैं और एक हमारी वो बूढ़ी खातून हैं जो अकेली रह रही हैं वो, और एक कॉलोनी के अंदर एक फैमिली है उन्हें भी 10000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं ये राशन लेके जा रहा हूँ। कहाँ गए हमारे भाई रखे वाले, आ जाओ भाई। इसको खोल लो, इसको ये शहजाद साहब हैं, पिछले दिनों गिर गए, आई साइड भी बहुत कमज़ोर है, एक ठेला इनके पास नहीं था, ठेला लेके दिया है, बर्फ़ बेच रहे हैं। तो शहजाद साहब आपकी सेहत के लिए भी दुआ हुए हैं ये राशन का पैकेट। अल्लाह पाक आप, अल्लाह ताला इनको भी दे, अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह सेहत दे, ठीक है ना। तो ये आपका राशन आ गया है। हुनैन तुमसे नहीं उठाया जाएगा, वजन है बेटा। अच्छा देख के ज़रा। तो ये हमारा आखिरी पैकेट है, एक हमारा बस यहाँ पर असल में आ जाते हैं, तीन चार फैमिली, शहजाद भाई को दे दिया, बाबा जी को दे दिया, और ये जाएगा हमारी एक बेवा बहन है, तो कोई औलादे नरीना, उनका बच्चा बहुत छोटा है, ये सायम और उन्हें उनके घर छोड़ने जाएंगे। ठीक है बेटा ध्यान से बेटा दर जाओ, हैं पहुँचो। बहुत शुक्रिया, हमारी मुख्तसर वीडियो आज आपने देख ली होगी, दिखने में ये जितनी मुख्तसर है, मैं कहता रहता हूँ कि इसके पीछे काफ़ी घंटे सर्फ होते हैं। सुबह निकले थे 9 बजे और उसके बाद 4:15 हो चुके हैं, अब घर पहुँचे। 16 फैमिलीज तक महीने की कफालत का इंतज़ाम पहुँच चुका है, 1, 2, 3 फैमिलीज हमारी और रहती हैं जिन तक हमने पैसे पहुँचाए हैं। एक फैमिली इन फैमिलियों में वो भी है जिन तक राशन प्लस पैसे पहुँचाए जाते हैं, मगर ना हकीकत में ऐसी फैमिलियाँ, तीन फैमिलियाँ ऐसी जिनकी ज़ीरो अर्निंग है, 1 रुपये की अर्निंग नहीं है। अभी जिसके घर पर मैं राशन देकर आया, सिद्दीक भाई, पिछले 6 साल से फालिज में मुबतला है, राशन तो हम उन्हें पहुँचा देते हैं, घर किराए का है, बाकी ज़रूरियात के लिए कोशिश होती है वक्तन फवक्तन, जैसे रमज़ान में उन तक एक्स्ट्रा पैसे पहुँचाए थे। इस तरह एक और फैमिली है, उन तक भी आज राशन पहुँचा दिया, पैसे नहीं पहुँचा पाए उन्हें, राशन भी और प्लस पैसे, क्योंकि उनकी भी ज़ीरो अर्निंग है। एक बेटा है 12-13 साल का कुल, वो किसी दुकान पर काम करता था, हमारे एक मेहरबान थे वसीम कुरैशी साहब अमेरिका से। वसीम भाई आप भी रब्ता कीजिएगा, काफ़ी दिनों में आपसे बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को स्कूल लगाया जाए,
वो 200-300 रुपए कहीं रोजाना दिहाड़ी पर काम करता था, वो नहीं कर रहा, वो भी जीरो अर्निंग है उस खानदान की। दो फैमिलीज होगी, इसी तरह एक और फैमिली है, उन तक भी आज राशन पहुंचा दिया, लेकिन उन तक भी पैसे पहुंचाने। ये वो पैसे हैं जो एक दो तीन फैमिलीज के, जो मैं कभी जिक्र भी नहीं करता, लेकिन खामोशी से बस अल्लाह कहाँ से कैसे इंतजाम कर रहा है, जब हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता तो फिर हम क्या छोटी छोटी चीज़ें बताते रहे। तो उनकी भी जीरो अर्निंग है, माँ तो बेवा है ही है, बेटी भी आज बेवा है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं भाई। तो इस मुख्तसर सी 10-12-13 मिनट की वीडियो जितने की भी हो, इसके पूछे पूरे दिन की पूछे पीछे जो है वो मेहनत होती है। तबीयत थोड़ी मुजमहल है मेरी भी, तो ये मत जानिएगा कि मैं वो बेदिल हूँ, लेकिन तबीयत की नासाजी है। कराची से हैं, गुलशन कॉलोनी से आए थे, या गुलशन इकबाल से हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब। उनके खतूत मैसेजेस होते हैं, मैं उन्हें खतूत कह रहा हूँ। 9वीं-10वीं की क्लासों में आपने अगर गालिब के खतूत पढ़े हों तो कुछ इस तरह की वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनके मुफस्सल मैसेजेस लिख रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो मैं उनका जिक्र खैर कर नहीं पाया वीडियो में, या शायद एक दफ़ा किया उनकी नज़र से नहीं गुजरा। तो सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत बाकमाल लिखते हैं आप, और तहरीरों की खूबसूरती हुआ करती थी कि मौका महल के लिहाज से उसमें कुछ अशार, कभी एक मिसरा और कभी पूरा शेर, तो वो भी आप लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आप मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आप जैसे लिखने वालों को पढ़कर हम भी कुछ सीख लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया सैयद साहब, थैंक यू, जज़ाकल्ला। आप तमाम मेहरबान व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। मैंने कल परसों की वीडियो में जिक्र किया था, किसी ने मुझे अहमक कहा है, मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन दुख ज़रूर होता है कि जिसका जितना ज़रफ़ था उतना उसने पहचाना मुझे, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। फ़ौरन से देखकर नतायज अखज़ नहीं कर लेने चाहिए, और तनकीद तो खैर हर चीज़ पर हो सकती है, हर अच्छे से अच्छे काम पर तनकीद का दरवाज़ा खुला है, और अगर तनकीद बराए तनकीद नहीं, मस्बत तनकीद होगी, तसहीह के लिए होगी, तो मैं तो अगर मुझे कुछ आता है तो उसके पीछे वजह ही यही है कि मैं इस्लाह वाली तनकीद को फ़ौरन अडॉप्ट कर लेता हूँ, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, अपनी इस्लाह करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लफ्ज़ों में आज जोश नहीं है मेरे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पैटिन पर ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।